फिर आए और हम ये टाइम डिबेट नहीं करेंगे, ये उसे पता होना चाहिए। हम अपना क्वेश्चन रखेंगे, वो अपना जवाब दें, हम कुरान हदीस से जवाब देंगे, वो भी कुरान हदीस से जवाब दे। ये मत कह, ये नहीं वो कह सकता कि हदीस में लिखा है, उसको हदीस दिखानी है, नंबर देना है, स्क्रीन पे दिखानी है। जूम किस लिए होता है? इसलिए होता वो है। यही यही कर रहे थे आज भी जब मेरे से बात हो रही थी, वो यही कर रहे थे कि हदीस हदीसों के रेफरेंसेस और फिर सब कुछ बताए थे। तो हम करेंगे उनके फिर साथ, मैंने बिल्कुल उनसे करेंगे। कहा, मैंने पूछा, वो रेडी भी है, वो खुद कह रहे मैं तो रेडी हूँ, मैं तो डन भी एकदम। हाँ आज तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग चलो साहब कह ठीक है रहे हैं ओके। जूम इज फ्री, लेकिन जूम इज फ्री फॉर 45 मिनट्स, उसके बाद वो आपको बंद कर देता है। तो जूम को अगर 45 मिनट से ज्यादा लंबा करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, मेरे ख्याल 20 या 25 डॉलर है महीने के, मुझे देखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम कर लेंगे, हमें खैर से इतने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन पैसों को और करते हैं क्या, ये वाले काम तो करते हैं, लैपटॉप सही कर लो, ये कर लो, स्ट्रीम यार्ड ले लो, फलाना कर लो, हेडफोन सही कर लो, ये वी डू ऑल दिस, सो डोंट वरी, हम जूम ले लेंगे। जूम पे आना चाहते हैं, हम जूम ले लेंगे, पक्का जूम लेंगे। वो आए जूम के ऊपर और बात करें, कोई मसला नहीं, हम जूम लेंगे, उसको करेक्ट करेंगे यूट्यूब के साथ, हम कर सकते हैं। जूम जूम कैन बी कनेक्टेड टू यूट्यूब। चलो मैं पूछूंगी ना, आज ही बात कर, आजकल मैं पूछ लूंगी उनसे। तो आजकल मैं पूछूंगा, ये सब जो है, साहिल अदीम का जिनका नाम लिया आपने, और यही डॉक्टर जिया, और ये सब जो है, ये सब कनेक्टेड है अलहुदा से, ये डॉक्टर फरहत हाशमी के उन्हें कहे उससे। साहिल अदीम को भी साथ ले आए एक दोनों इकट्ठे इस्लाम के दो बड़े बड़े, लेकिन साहिल अदीम को इस वक्त बाकी सारे मुफ्तियों ने जो है ना चपेड़े मार दिए, उसको लाने का फायदा कोई नहीं, लेकिन दूसरे जिया को लेके हैं, देखते हैं उससे गपशप लगाते हैं। चलो मैं बोलूंगी उनको भी कि आ जाएगा तो बताऊंगी मैं आपको। बाकी बस यही था मेरा जो साथ जो भी सीन हुआ। और साहिल का एक फ्रेंड है जुबैर कुरैशी, उन्होंने भी बड़ा दिमाग खराब नबेदा किया नबेदा, अरे मेरा फ्रेंड क्यों बना दिए उसको, था हराम के पिल्ले को, सर है तो आपका फ्रेंड है, बहुत वो मेरे को चट्टी बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड है है, सर, चट्टी बेस्ट फ्रेंड है फ्रेंड आपका वो हराम खोर कुत्ता है, वो एक नंबर का नबेदा नहीं सर, चट्टी फ्रेंड है आपका सर। वैसे मैं बताऊं, लंगोटिया लंगोटिया, हाँ लंगोटिया, लंगोटिया वो एक ही लंगोट जो आपका उतर जाता था ना, वो लंगोट उसकी माँ उसको पहना देती थी, तभी जो है ना उसकी पिछवाड़े के अंदर जलन लगी हुई है ज्यादा। अच्छा पहले मैंने नोट नहीं किया, मैंने इसका चैनल देखा नहीं था, जब मुझे इतना पता चला इसने स्ट्रीम्स रख दी है मेरी, अब मुझे बुला रही है। मैंने फौरन साहिल से बात की थी, तो साहिल ने कहा कुछ नहीं है, दो चार लोग हैं इसके स्ट्रीम पे। मैंने बोला अच्छा वाकई, मैंने जाके बोला फिर क्यों बुला रहे, पागल पागल तो नहीं है, कम से कम 1000-1500 लोग तो हों तेरे पास, तो फिर मैं आ भी जाऊँ समझ आती है। अब दो चार लोगों में मैं क्या जाके बात करूँ, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। यार, तो वो भी दो खैर चार लोगों में सेलिना उसके जी, अपने वो दो खानदान चार वाले लोगों, बैठे नहीं खा, अरे इतना तूने उसको कहा है, मैं दे दिया, वो जो दो चार लोग है वो उसके दूसरे मोबाइल से देखता है वो यार, सबसे मजा यार, आया था, वो जो था कमेंट नहीं, भी करता है। वो जो था नहीं, वो एक कमीना क्या नाम था उसका, जो अक्सर आता था, जिसको बात करना बंद कर दिया हमने, जो बड़ा ढीला सा बोलता था। वाई इस्लाम, हाँ, वो अपनी स्ट्रीम चला रहा है, उस स्ट्रीम के अंदर पांच पैनलिस्ट बैठे हैं, साहिल साहब पांच हाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, और स्ट्रीम कितने लोग देख रहे हाँ हैं, तीन पांच पैनलिस्ट स्ट्रीम यार बैठे हैं, और लाइव व्यूवर से तीन। ओ मैं कह यार दर फिटे मु ताडा स्ट्रीम करन ते अच्छा, इन लोग ने ये तो भी खबर फैलाई थी एडब, और वे को इतनी हंसी आई थी, और मैंने सेलिना को मैसेज भी किया था कि सेलिना जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है सुभान यार, लिटरली ये जो गर्लफ्रेंड वाला सीन है आई, ना, ये बहुत ज्यादा यार, ये इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यैन ये है, हर कोई जो है ना वो हर रिलेशनशिप को सिर्फ सेक्सुअल नजर से ज्यादा देखता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों यार है। खड़कपुना है ना, अब पाकिस्तान में आपको गर्लफ्रेंड वैसे तो ले नहीं सकते, बना नहीं सकते, यान पड़ गया हुआ है, ठीक है, इस्लाम की वजह से। अब उसके बाद क्या, वो उनके लिए कोई फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती ही नहीं है, ठीक है, ये ठरकपुना है। और फिर कुछ एनआरआईज वगैरह हैं, पता नहीं एनआरआई है कि एबीसीडीज हैं, वो लोग एनआरआई या एबीसीडी को देख के वैसे ही उनकी वो गेम खराब हो जाती है, वो डर पड़ते हैं। एनी हाउ, कल मैं अपने चैनल पे कुछ एनआरआईज के बारे में बात करूंगा खुल के, मुझे नहीं पता साहिल साहब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, कल मैं जरूर करूंगा।
ओके मुस्लिम सेलिना जी, और कुछ बोलेंगे आप? नहीं नहीं बस मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी अपनी कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, आई एम नाउ रिलैक्स्ड, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं ज्वाइन करती रहूंगी। बेहतरीन। और आप तक तो आपका नाम मुस्लिम सेलिना ही है, और जब भी यार मैं अभी भी पहले तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं चेंज करूँ, ये चेंज नहीं हो रहा था नाम, तो मैंने कहा चलो अभी ऐसे ही। अभी मत करना, एक हम प्रॉपर मैं तुम्हारे साथ स्ट्रीम करूंगा इस्लाम से इंसानियत तक, उसमें आप एक्स मुस्लिम सेलिना नाम से आना और अपनी पूरी कहानी बताना। अरे मैं सोच रही थी कि मैं एक्स रखू ही नहीं अपने नाम से, सिर्फ सेलिना रखू। हाँ तो पता है क्या, और एक और काम कीजिए, आप मुझे बताइए पाकिस्तान दोबारा तो नहीं घुसना ना? यार अभी तो नहीं, और वैसे भी कभी जाऊंगी ना तो अब मेरी सिक्योरिटी है, मैंने मतलब सब बंदोबस्त कर लिया पहले से, लेकिन अभी फिलहाल ही जाना। घुसने का नहीं है पाकिस्तान अभी तो, कोई इरादा नहीं है कभी भी जाने का, दो चार साल तक घुसने का ही नहीं है। हाय मेरी फैमिली वहां पे, आइडम क्या कह रहे हैं यार, हाय कंधे से पहले ना वहां पे सबको बाय बाय करके आना था। हां वरना इधर मत आओ, ये वरना किसी चैनल पे नहीं जाओ, अगर ये ज़हन में रखोगे दोबारा पाकिस्तान नहीं घुसना। चलो मैं फिर अपनी फैमिली को बुला लूंगी, और क्या, यही कर सकते हो, जो मर्जी कर लो, लेकिन पाकिस्तान पे कदम नहीं रखना, वो कंट्री मैप पे से हटा दो, खत्म। सही, वो कंट्री नहीं है अब दुनिया के मैप में, वो कंट्री नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे दुनिया के मैप पे पाकिस्तान कंट्री है ही नहीं, मेरे लिए दुनिया के मैप में नहीं है। चलो ठीक है, समझिए। चलिए बहुत शुक्रिया सेलिना जी, और मुझे बताइएगा कि कब हम स्ट्रीम, आप जब भी आप फ्री हो जाए एक दो घंटे के लिए, हम प्रॉपरली एक स्ट्रीम रख के आपकी इस्लाम से आप क्यों निकली, क्या डाउट्स आए, क्या आपने कोशिश है की, क्या आपको जवाब मिला, और फाइनली आप इससे क्यों बाहर निकल गई, तो ये एक स्ट्रीम हम प्रॉपर करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगी, ठीक है, और थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय। तो गाइज ये थी हमारी सेलिना जी, जो अब सेफ है और उन्होंने अपनी बात रखी, और उनको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आप सभी लोगों ने सुना देखा, और यानी हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, और जो प्रैक्टिकली उनके साथ जो कुछ गुजरा होगा आप उसको यानी फील कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो डटी रही, और फाइनली वो सेफ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। तो मैं एक स्ट्रीम उनके साथ सेपरेटली एक जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज कंटिन्यू सर आए हैं, मैं जरूर आऊंगा, और ये प्लीज कंटिन्यू सर, यार ये हमेशा ढूंढ लेते हैं हमें। ढूंढ लेते हैं। कह रहे हैं एडम अब्बू जी एंड साहिल चाचू जी, जरूरी ऐलान समाप्त, जरूरी ऐलान समाज फरमाए, अगर मुस्लिम सेलिना जी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो प्लीज लेट मी नो, बहुत शुक्रिया, प्लीज कंटिन्यू सर जी। सर जी आपको भी गर्लफ्रेंड बना देंगे वो अलीना का। काफिर भाई कह रहे साहिल भाई इस बहन को पाकिस्तान से बाहर निकालो, हिंदुस्तान बुलाओ या किसी सेफ मुल्क पहुंचाओ, वो सेफ है अभी, सेफ जगह पे है, किधर है क्या है हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन शी इज सेफ। असित गांधी जी कह रहे हैं ये मेरे एक्स मुस्लिम भाई बहन की सुरक्षा के लिए, थैंक यू असित जी आपके कंट्रीब्यूशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। यार ये और शायद देर से जुड़े हैं बेचारे यार। हाँ कितना इंतजार और कितना सबर और तहम्मुल के साथ वो बातें सुन रहे थे यार। इरफान हैंडसम जी आपको मैं लेता हूँ, रुक जाओ पहले, शाहिद भाई बहुत देर से रुके हैं, आपको मोहम्मद नफीस भाई है, जैद भाई है, सबको हम मौका देंगे, टेंशन नहीं है, थोड़ा रुको। शाहिद भाई के बाद जैद भाई का नंबर आता है, उनको दें सर, और शाहिद भाई को पहले दें, जैद भाई को दें। ठीक है जी, शाहिद भाई आपका इस्तकबाल है। हेलो जी, हेलो, यस शाहिद भाई कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, अभी वीकेंड था, टाइम पास करने कुछ था नहीं तो आप लोगों को सुन रहा था बैठ के। अरे वाह, ये भी बहुत जबरदस्त हो गया। हाँ तो आप लास्ट टाइम भी जवाब नहीं दिए थे और मुझे अनफॉर्चुनेटली आपको निकालना पड़ा था, अगर इस बार भी आप जवाब नहीं देंगे
तो मुझे निकालना पड़ा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो थोड़ा जो आपके जो एडम सीकर है वो थोड़ा वो मूड में थे उस दिन, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूं मैं। ठीक है, अभी आपसे हम टॉपिक पे बात करेंगे। आपसे सवाल मैंने किया था, आपने जवाब नहीं दिया था। ये बताइए कि रसूलुल्लाह आपके खाने पीने ड्रिंक आपकी जो भी चीजें हैं उस पर अगर पिचकारी मार दे, थूक दे, कुल्ली कर दे, तो क्या आप वो तबर्रुक समझ के, नजात का बाइस समझ के, क्या आप उसको खा लेंगे, पी लेंगे, थूक को अपने मुंह पे मल लेंगे? क्या माजरा है, आपका ईमान कितना पक्का है, जरा बताइएगा। यहाँ वहाँ की बातें किए बिना पहले आपको इसका जवाब देना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था कि मैं तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, मगर अब कई लोग बोलते हैं, हाँ मगर अब कई लोग, अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था तो बहुत लोग, अगर आपके मुंह पे थूक देते और आप एक्सेप्ट करने के पक्ष में नहीं हो तो आप क्या करते फिर रसूलुल्लाह को? अरे भाई देखो उस टाइम क्या सिचुएशन थी किसी को नहीं पता, तो हम ऐसे हाइपोथेटिकली अगर थूक दे रसूलुल्लाह तो आप क्या करते वो बताओ। सुनो ऐसे हम हाइपोथेटिकली बैठ के नहीं बोल सकते ना कि मैं क्या करता, क्यों वहां हुआ है ना, हुआ है उधर पे साहबाओं के साथ, तो हुआ है, पिचकारी मारी है रसूलुल्लाह ने, उनको तो अच्छा लग रहा था, साहबाओं को तो अच्छा लग रहा था, वो तो खुश थे इन चीजों से। तो आप खुश होते या नहीं होते, नाराज होते रसूलुल्लाह से? तो भाई मैं आज की सिचुएशन बोलूंगा तो मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं वन ऑफ द साहबा होता और अगर सबको पसंद आ रहा होता तो क्या पता मुझे भी पसंद आ जाता, तो उस सिचुएशन को मैं आज की सिचुएशन कंपेयर नहीं कर सकता। यानी रसूल की मोहब्बत, रसूल के जो ये फुजुलात मुबारक है, ये आपको आज की तारीख में गंदे लग रहे हैं, गंदे ही मैं, आप समझे नहीं मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे उस टाइम की सिचुएशन नहीं पता ना कि उस टाइम हो क्या रहा था। की बात नहीं ना, रसूलुल्लाह तो हमेशा के लिए नबी है ना, तो रसूलुल्लाह का अगर थूक मुबारक है, पाक है, तो भाई फिर वो आज भी आपके लिए वो पाक होना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले से बात की बनेगी ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जो साहबा थे जो कह रहे थे कि उन्होंने थूका और हम लोगों ने अपने चेहरे पे मल्ली और हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो उनको तो अच्छा लग रहा था, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। अच्छी चीज है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया इस चीज को, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एक अकलमंद इंसान, जैसे आप अकलमंद बन के, सुनो मेरी बात शहीद भाई, आज आप अकलमंद बन के, आपको मैं वो कराहियत आपकी फील कर सकता हूँ आपके जवाब के हिसाब से, और वाकई में होनी भी चाहिए कराहियत, एक नॉर्मल इंसान जो होगा जिसका दिमाग चलता होगा उसके लिए तो कराहियत ही है, चाहे आज करे या 100 साल पहले करे, कोई आपके मुंह पे थूक दे तो कराहियत होगी, तो क्या सहाबा को भी ये कराहियत महसूस होनी चाहिए थी और रसूल को उनको सुना देना चाहिए था कि यार ये क्या माजरा है, आप मुंह पे थूक रहे हो और बोल रहे हो कि फिर वही इसमें शिफा क्या कर देना चाहिए था, वो हमारे बस में नहीं है ना भाई, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हो क्या कर देना चाहिए था? अच्छा मुझे एक इस चीज को आप और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था? मैं बताता हूँ मुझे एक बात बताइए, एक सिर्फ मैं सवाल कर लू उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए कि 100 साल पहले कोई एक इंसान गू खाता था, ठीक है, आपको अगर मैं पूछूं कि भाई 100 साल पहले एक इंसान गू खा रहा था, बाकी दुनिया नहीं खा रही थी, वो गू खाता था, उसको गू खाना बहुत पसंद था, तो क्या मैं जब सवाल करूं कि ये गंदा काम कर रहा था तो आप उसको क्या कहोगे? अरे भैया उसको गू खाना पसंद था, उसको खाने दो अपने को क्या करना है। नहीं, वो गंदा काम था या नहीं था? अब देखो अब वो छोड़ो, हाइपोथेटिकल बात छोड़ो, एक मुराजे डिसाइड करके, हाइपोथेटिकल बात है भाई। नहीं, मैं आपको एक असली एग्जांपल दे रहा हूं, उसका उसको पसंद आया, भाई वो सवाल नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको असली एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे सुन तो लो यार, मेरे को नहीं नहीं रुको शाहिद रुको, अरे किसी की सुन तो लो यार, सुनूंगा मैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं तो बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देना है। अब जैसे आप उनको जानते होंगे, मुराजी देसाई को जानते हैं, आप उनका नाम सुना है? नहीं।
जरा उनके बारे में सर्च करिए, वो 100 साल की एज पे मरे थे वो। okay. जिंदगी भर उन्होंने अपना पेशाब पिया, रोज सुबह उठ के अपना पेशाब पीते थे वो। okay. तो अब उसको क्या करेंगे हम, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस था। अब मैं उनको पागल थोड़े बोलूंगा बैठ के, मैं तो बोलूंगा वो 100 साल जिया बंदा वो, मैं तो बोलूंगा मैं भी बोलूंगा मैं तो बोलूंगा उसको पागल गंदा, आप नहीं बोलोगे, मैं तो बोलूंगा गंदा पागल गंदा जाहिल अपना पेशाब पी रहा है। एक मिनट रुकिए जरा। और अपना यार फिर भी शायद भाई, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ एडम, अपना फिर भी बहुत से बार क्या होता है, आदमी को खुद की गंदगी गंदगी नहीं लगती। अरे भाई नाल भाई मुझे लगती है भाई। अरे थोड़ा सा एडम, थोड़ा सा इसमें हम छूट देते हैं कि ठीक है खुद का कर रहा था, लेकिन क्या वो दूसरे का पी रहा था? कोई ऐसा है एग्जाम्पल जो दूसरे का पीता था पेशाब, दूसरे का गू खाता था? नहीं। चलो लेकिन चलो नहीं। अच्छा सुनो एक और चीज, आपकी एग्जाम्पल आ गई, एक और चीज बोलना। अच्छा सुनो एक और बोल रहे कुछ। अरे भाई बोलने तो पूरा बात मेरी खत्म का हुई है। बोलना यार। हाँ सुनो, अब मैं बताता हूँ मुरारजी देसाई कौन थे। कौन थे मुरारजी देसाई? सुनो ना जो भाई सुनो ना, अपना भी आप पीता था, बात खत्म, आगे चलते हैं। अरे भाई अरे सुनो ना यार, सुनना कौन था यार? यार ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई? कौन था मुझे परवाह नहीं। कौन मैं था? साहिल से बोल रहा हूँ, मैं साहिल से कर रहा हूँ सुनने के लिए। साहिल को भी परवाह नहीं कौन था, जो भी था। अरे भाई सुन लो, सुनोगे जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, सुन लो। नहीं चाहिए जनरल नॉलेज इस बंदे की, नहीं चाहिए। अरे फिर दोबारा यार भाई, चाहिए ही नहीं, काहे नहीं चाहिए, जब हमने कह दिया बुरा था, हमें नहीं पसंद, पागल था। अरे भाई सुन तो लो कौन थे एक बार यार, जो भी था मसला नहीं है। मे आई कंटिन्यू नाउ? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे होगा भाई, नहीं परवाह, नबी थोड़ी ना हमारे वो। अरे भाई फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो। नहीं परवाह, कोई भी था। और साहिल तो उनको पागल बोल रहे हो। अमल गंदा था उसका, ये अमल गंदा था। अच्छा उसमें भी मेरे को पागल बोल रहे हो मिली है। अरे भाई दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाइना का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, अपना पेशाब पीता था, गंदा बंदा था, नहीं चाहिए, आगे खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, ए आई आस्क समथिंग नाउ।